नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है क्लास 9th के मैथ से है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास 9th के मैथ की एक्सरसाइज 1G के क्वेश्चन नंबर 8 है, और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और बुक का नाम है आर एस अग्रवाल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है लिखा गया है कि इवैल्यूएट, मतलब इन सब का जो है हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। तो सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 4/216 के पावर -2/3, इसी के साथ जो लिखा गया है +1/256 के पावर -3/4 +2/243 के पावर -1/5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 4 बाय, अब देखिए इस 216 को जो क्या लिख सकते हैं, तो 6 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है 6 के पावर 3 के इक्वल है, अब इसके पावर में है -2/3 प्लस, यहाँ देखिए 1 बाय, इस 256 को जो लिख सकते हैं 4 के पावर 4, और उसके पावर में है -3/4 प्लस, यहाँ देखिए 2 बाय, इस 243 को जो लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और उसके पावर में है -1/5। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का जो है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/6 के पावर 3 × -2/3 प्लस 1/4 के पावर 4 × -3/4 प्लस 2/3 के पावर 5 × -1/5। यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, 4 से 4 कट जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में, यहाँ देखिए 4/6 के पावर कितना बचेगा, तो -2, यहाँ पर लिखेंगे 6 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -3 और प्लस 2/3 के पावर -1, 3 के पावर -1। अब देखिए ये 6 पावर -2 जो है ऊपर जाके जो है लिखाएगा 4 × 6 के पावर 2, ये -2 जो है +2 हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा 6 तक, इसी के साथ देखिए प्लस, ये 4 के पावर -3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 4 के पावर +3 हो जाएगा, और ये प्लस इस -3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो होगा 2 × 3 के पावर 1 मतलब 3। अब यहाँ देखिए हो गया, यहाँ पर 4 × 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 प्लस 4 के पावर 3 है, तो 4 के पावर 3 होता है 64 प्लस 2 × 3 = 6। तो यहाँ देखिए 4 × 36 होता है 144 प्लस 64 और प्लस 6, ये देखिए 144 प्लस 64 प्लस 6 कितना होगा, तो 70। और ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे 214, क्योंकि 144 प्लस 70 होता है 214 होता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि 64/125 के पावर -2/3 प्लस, लिखा गया है कि 256/625 के पावर -1/4 प्लस, लिखा गया है 3/7 के पावर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 64 जो है 4 के पावर 3 है बाय, और ये 125 जो है 5 के पावर 3 है, और उसके पावर में है -2/3। अब देखिए प्लस, इस 256 से ले सकते हैं 4 के पावर 4, और इसको ले सकते हैं 5 के पावर 4, और उसके पावर में है -1/4 प्लस 3/7 के पावर 0 है, तो यहाँ पर होगा 1, क्योंकि 3/7 के पावर 0 क्या हुआ, तो 1 होगा। अब यहाँ देखिए
यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5 के पावर 3, और उसके पावर में क्या है तो -2/3 है, क्योंकि इसके पावर के ऊपर में क्या होगा, पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। प्लस इसको लिख सकते हैं 4/5 के पावर 4 × -1/4 +1। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, और 4/5 के पावर -2 है तो इसको जब पलटेंगे तो होगा 5/4 के पावर 2 प्लस, यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएगा, और जब इसको पलटेंगे तो होगा 5/4 और +1 पावर में, और ये +1। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे 5/4 का स्क्वायर है तो होगा 25/4 = 16 +5/4 और +1। यहाँ देखिए 16 और 4 कैल्शियम कितना आएगा तो 16, यहाँ देखिए 1/1 बना लेते हैं इसको, और जब इस 16 से जो है इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 × 25 क्या हुआ तो 25 प्लस, जब इस 4 से जो है इस 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 × 5 क्या होगा तो 20 होगा प्लस, 1 से जो जब 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, और 16 × 1 क्या होगा तो 16। अब यहाँ देखिए 25 + 20 कितना होगा तो 45, 45 + 16 भाई यहाँ पर लिखेंगे 16, और यहाँ पर होगा 45 + 16 = 61 / 16, और ये जो है अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है 81/16, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 के पावर 4, थोड़ा फास्ट चलते हैं, और उसके पावर में है -3/4 इंटू, यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 5/3 के पावर 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और उसके पावर में है कितना तो -3/2। इसी के साथ देखिए डिवाइड 5/2 के पावर है -3, तो इसको जो है लिखेंगे 2/5 के पावर 3, इसको जो है पलट देंगे, 2 को ऊपर लेके जाएंगे और 5 को नीचे, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 3/4 है तो इसको पलटेंगे तो होगा 4/3 और उसके पावर में 3। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, और जब इसको पलटेंगे तो होगा 3/5 और उसके पावर में 3 प्लस में डिवाइड, यहाँ देखिए 2/5 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 4³/3³ × यहाँ देखिए इसको लिखेंगे, पहले अंदर का काम होगा, कोष्ट के अंदर का काम होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोष्ट, इसको लिख सकते हैं 3³ अलग अलग करने पर, / 5³ अलग अलग करने पर, और डिवाइड देखिए यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन जब बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब 5³ होगा बट्टा 2³ होगा। अब देखिए यहाँ पर 4³/3³³ × 3³³/5³³ × 5³³² क्योंकि कोष्ट का काम अब जो है हो चुका है, इसीलिए जो है कोष्ट को हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 4/2³ क्योंकि 4³ है और 2³ है तो 4/2³ लिख सकते हैं। अब देखिए 2 2 जा 4, और 2³ कितना होगा तो 8 होगा, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसको लिख सकते हैं 5³ और उसके पावर में है 5/2 × 9³ और उसके पावर में कितना है तो 1/3 है, डिवाइड डिवाइड इसको ये लिख सकते हैं 5³ और उसके पावर में है 2/3 × इसको लिख सकते हैं 3³ और उसके पावर में है 2/3 × और इसको लिख सकते हैं 2³ और उसके पावर में है 4/3। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा,
ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 5 इंटू 9 बाय 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर ये जो है कट जाएगा क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 का स्क्वायर 9 कट जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर, ऊपर में 5 है और नीचे में 5 के पावर 2 है, तो ऊपर में होगा 5 के पावर 3 बाय 2 के पावर 4, और 5 के पावर 3 कितना होता है तो 125, और 2 के पावर 4 कितना होता है तो 16 होता है।